मेरे साथ है आज जनपद पंचायत मनासा के उपाध्यक्ष मोहन गुर्जर, उनका जन्मदिन आज है। मोहन भाई आपका स्वागत, अभिनंदन, जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई हम आपको देते हैं आज, और हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद उपाध्यक्ष आप बने और पहला जन्मदिन, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह से जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठा, हाँ, तब से मैसेजेस, फोन कॉल्स, बहुत सारे मित्रों ने, क्षेत्र के लोगों ने मुझे बधाई शुभकामनाएं दी, और सुबह से लगातार यहाँ जब मैं ऑफिस पहुंचा तब से बहुत सारे सरपंच, जनपद सदस्य, यहाँ हमारे डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी कर्मचारी सभी सुबह से यहाँ तांता लगा हुआ है। ऐसा यार मोहन भाई, मुझे पता चला कि आप जब स्कूल में पढ़ते थे और जब स्कूल में चुनाव होते थे मॉनिटर के समय, आप भाग जाया करते थे, आप तो डरते थे चुनाव से, थे राजनीति में कैसे आ गया? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं चुनाव, वैसे मैं इंटरेस्टेड नहीं था चुनाव लड़ने का, और राजनीति में ऐसी आने की कोई इच्छा नहीं थी, तो मैं, मुझे पसंद नहीं था। मैं जब भी चुनाव होते थे उस दिन छुट्टी रख लेता था। हाँ, क्यों क्यों ऐसा क्यों पसंद क्यों नहीं था? शुरू से राजनीति में मुझे नहीं पता था कि मैं राजनीति में आऊंगा, बाकी मुझे राजनीति से यूं था कि अकेले अपन अच्छे हैं वैसे लोगों के बीच में और आम आदमी बन के ठीक है। तो फिर ये कांग्रेस की राजनीति में आपका प्रवेश कैसे हुआ? मेरा राजनीति में प्रवेश होना एक, मैं बता सकता हूँ आपको कि एक घटना है। जब 2011 में राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस में चुनाव की घोषणा करी थी जी, तो चुनाव हुए तो सुरेश जी धनगर, उन्होंने मुझे कहा था कि आप विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव लड़ो, हाँ, यूथ कांग्रेस का। तो उस समय वैसे मेरी इच्छा नहीं थी, मैंने उनको मना भी कर दिया था। मैंने कहा कि मैं, मुझे राजनीति नहीं करना। मैंने दो चार नाम मेरे गांव से भी सुझाए थे, पर उन्होंने कहा नहीं, तुमको ही लड़ना है। तो उस समय मैं विधानसभा अध्यक्ष तो नहीं बना था, परंतु मैं डेलीगेट बना था यूथ कांग्रेस। उसके बाद फिर, उसके बाद में फिर मैं विधानसभा अध्यक्ष बना, फिर जिला यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना, फिर प्रदेश सचिव हूँ, अभी मैं प्रदेश सचिव हूँ, और जनपद का चुनाव लड़ा, जनपद उपाध्यक्ष बना। हर चुनाव आप जीते जी है? सभी जनपद सदस्य का चुनाव भी आप जीते जी। कितने मतों से जीते आप? मैं 2500 वोट। 2500 वोट से सामने कितने उम्मीदवार थे? मेरे सामने तीन और उम्मीदवार थे। तीन और थे, टोटल वोटर कितने थे? टोटल वोटर थे वहां 6500। उसमें 2500 से आप जीते हो चुनाव। हाँ यार मोहन भाई, एक बात बताओ, आपने जादू कौन सा किया वोटर के ऊपर? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे परिवार के लोग हैं सब, जनपद क्षेत्र के सभी लोग परिवार जैसे ही हैं, और बचपन से उन्हीं के बीच में रहा, पढ़ा लिखा और बड़ा हुआ। तो आप मेरे से चुनाव जीते थे, मैं आपसे मिला था, आपने कहा था मुझे तो जनपद उपाध्यक्ष बनना है। आप जो सोचते हो सब कम हो जाता है, जनपद उपाध्यक्ष बने कैसे? ये तो सब ईश्वर का और गुरु का आशीर्वाद है। हाँ, बाकी लक्ष्य, इंसान कोई भी हो जो लक्ष्य बनाता है और अगर सही ढंग से लक्ष्य निर्धारित करता है तो निश्चित रूप से पहुंचता ही देर समय। आपने गुरु का जिक्र किया, तो गुरु कौन है? गुरु तो राजनीति में बहुत सारे हैं। पहला गुरु कौन है आपका? मैं यूं कहूं कि मुझे राजनीति में लाने वाला, तो मुझे राजनीति में लाने वाले तो सुरेश जी आए थे मुझे गांव से लेने। सुरेश जी धनकर, आप धनकर, हाँ पहला गुरु। उसके बाद, क्योंकि मैं उससे पहले मेरा राजनीति में कोई, मैं राजनीति से कोई मतलब नहीं था, और मैं चुनाव भी नहीं लड़ना चाहता था। जब गांव में सर्वप्रथम सुरेश जी का जब यूथ कांग्रेस में फॉर्म रिजेक्ट हुआ, तो वो मुझे लेने आए थे कि आप विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव लड़िए। पहले गुरु वो। उसके बाद, उसके बाद में बहुत सारे रहे हैं, विजू बनाने में मेरा सहयोग किया, बहुत सारे और तो साथी लोग सब यही थे। ऐसे कोई घटना याद आती है, यादगार पल इन इस समय में राजनीति के क्षेत्र में आप इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं? जैसे मैं सबसे पहले बताता हूँ कि मुझे सुरेश जी ने कहा कि आप चुनाव लड़िए विधानसभा अध्यक्ष, और उसमें विधानसभा अध्यक्ष का लड़ने से पहले बूथ अध्यक्ष बनना पड़ता है। ठीक है, मुझे सबसे बड़ी खुशी उस दिन हुई जब मैं बूथ अध्यक्ष बना था। अच्छा। मैं पहली बार ये बना था तो मुझे वैसी खुशी हुई थी कि यार मैं बूथ अध्यक्ष बन गया, कितनी बड़ी बात है। और अपन क्या थे, हमारे कोई आगे पीछे तो राजनीति में कोई है नहीं,
तो आज जो भी है, जो ईश्वर ने दिया है, और सभी क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है, आप जैसे लोगों का सबका अच्छा, आप जनपद उपाध्यक्ष तो आप बन गए, आगे कुछ और बनने की सोच, विजन कुछ है ऐसा? आगे जो जनता तय करेगी और जो जैसा समय पे होगा वो मुझे ठीक है। बाकी जो मुझे, मैं समझता हूँ कि मुझे कम उम्र में बहुत सारे एडवांटेज मिले, बहुत सारे अच्छे से अच्छे चांसेस मिले, तो मुझे जो मिला है वो कम नहीं है। मैं यूँ बता सकता हूँ कि आपको कि मैं मुझे मेरी औकात से ज्यादा मिला है और ईश्वर ने बहुत दिया है, ये कम नहीं। आगे जो भी मिलेगा वो प्लस ही है। और अपन क्या थे, और आज भी मैं अपने आप को कोई बड़ा भाई नहीं समझता हूँ, आज भी मैं वही मोहन हूँ। और गांव में भी कोई मैं बड़े हूँ रुतबे से रहना या अहंकार करना या ऐसा कुछ नहीं है, हम जैसे पहले थे वैसे आज भी और आगे भी रहेंगे, अगर पद आएंगे जाएंगे चलता रहेगा। अगर भाग्य आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ खींच के ले जाएगा तो जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखो, मेरे दादाजी जन कांग्रेस से चुनाव लड़े थे विधानसभा, और मेरे पिताजी ने कई सालों से पार्टी की सेवा करी है। पिताजी ने, मेरे दादाजी ने पैदल चलकर पार्टी का काम किया है, गांव गांव जाकर संगठन को खड़ा करने का प्रयास किया है। भंवरलाल जी नाटा के टाइम पर, नाटा जी के टाइम पर, बाल कवि बैरागी दादा के टाइम पर, महेंद्र सिंह जी कालूखेड़ा के टाइम पर, नरेंद्र जी नाटा के टाइम पर, बिजू बन्ना के टाइम पर तो मेरी भी एंट्री हो गई थी, परंतु तीन पीढ़ियों से हम कांग्रेस में हैं। तो ठीक है, कांग्रेस से हमारा लगाव है और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। बाकी एक जरूर मन में टीस है कि मैं जब उपाध्यक्ष बना तो कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि गद्दार हैं या कांग्रेस से गद्दारी करी। आज उन लोगों को का स्वागत किया जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने मेरे सामने वोट दिया। मैंने कौन सा गुनाह किया? मैंने तो आज नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस का कोई जनपद उपाध्यक्ष है तो मैंने कांग्रेस का झंडा बुलंद किया है, कम नहीं किया। कांग्रेस में रहना है ना, पर एक बात समझ में नहीं आती यार, जब माननीय कैलाश चावला जी जब भदवा से गुजरते हैं ना, उनका ब्रेक आपके आपके सामने लगता है, ऐसा लगता है कहीं कि आपका उनका कुछ अंदर का प्रेम ऐसा है कि मैं चावला जी को मैंने कभी वोट नहीं दिया, परंतु चावला जी जब हमारे वहां आए तो मैं बताता हूँ, उनकी और मेरी भेंट हुई, रामलीला चल रही थी, रामलीला में मैं संचालन कर रहा था। उस समय पे चावला जी विधायक थे और चावला जी ने कहा कि ये संचालन करने वाला है लड़का कौन है। उस दिन उन्होंने परिचय कराया कि यूथ कांग्रेस का है ऐसा नया लड़का है, और हमारा परिचय हुआ है। उसके बाद में देखो, ये सार्वजनिक जीवन, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भी बहुत सारे काम होते हैं राजनीति में, जैसा कि जनपद बनी आज मनासा में, ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही माने आप, क्योंकि कोई बीजेपी नहीं थी, कोई कांग्रेस नहीं थी, सबने मिलजुल कर अध्यक्ष बनाया और उपाध्यक्ष बनाया। ऐसा सार्वजनिक जीवन में है तो सभी से मित्रता तो रहती है, और चावला जी बहुत अच्छे व्यक्ति, अच्छे मैं मानता हूँ, बहुत अच्छे, और उनका मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में बहुत सारे मनासा में काम भी हुए, बहुत अच्छे व्यक्ति है ना। चलिए मोहन भाई, बहुत अच्छी बात है, अगर आपके साथ एक सेल्फी ले लेंगे अगर आप कहें तो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना सर, शानदार आपको सेल्फी हो जाए, और मेरा इंटरव्यू भी एंड की ओर जा रहा है। अच्छा लगा आज आपसे बात करके मेरे को जी। यस सर, इस्माइल मोहन दादा, क्या बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं आपको, आप आगे बढ़े और कोई बड़ा चुनाव आप लड़े और क्षेत्र के प्रगति में आप हमेशा आगे रहे। धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद।